भी अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर संस्कारित बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार या पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया जाए, तो आपके लाडले की संपूर्ण पढ़ाई निःशुल्क हम कराएंगे। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा स्थापित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा पुनरुद्धारित पूज्य मुनिश्री प्रणम सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित श्री सियादवाद महाविद्यालय वाराणसी में। जी हाँ, यहाँ पढ़ने वाले 100 से अधिक परा स्नातक बन चुके हैं, अनेक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स, 15 से अधिक प्राप्त कर चुके हैं राष्ट्रपति पुरस्कार। इतना ही नहीं, इसी वर्ष 2024 में भी एक विद्वान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रवेश प्रारंभ 10वीं अथवा 12वीं पास छात्र सीधे ले सकते हैं प्रवेश। आवास, भोजन, शिक्षण आदि सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क। श्री सियादवाद महाविद्यालय, भदेनी वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। संपर्क करें 9695338108, 9506027159, 111229620। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, USA। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम युग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधु, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत ग्रंथराज जी के स्वाध्याय में स्वागत है। विगत 2 वर्षों में हमने तत्व विज्ञान अध्याय 1 से लेकर व्रत विज्ञान अध्याय 7 तक का सफर तय किया है और अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्म बंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्म बंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें, निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरस सरल वाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ आएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठन कर लेते हैं ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा नहीं दी है तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकसायत्वा जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंधः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विदयः। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंच नवद्वेष्टा विंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्वि पंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम् चक्षुरचक्षुरवधि केवलानाम् निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च सतसत् वेद्ये। दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्यास्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्तु मिथ्यात्तु तद्वयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन्न पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभाः नारक्तैर्यज्ञोन्मानुस्तैवानि गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णान पूर्व्य गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायोगते प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशह कीर्ति सेतराणि तीर्थ करत्वं च उच्चैर नीचैश्च दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम आदितस्तिस्रणा मंत्रायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः
सप्ततिर्मोहनीयस्य विंशतिर्नाम गोत्रयोः त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयो रष्टौ शेषाणा मंतर मुहूर्ताः विपाकोऽनुभवः स यथानाम् ततश्च निर्जरा नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम् अतो न्यत् पापम् इति तत्त्वार सूत्रे अष्टमोऽध्यायः। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए अब हम चलते हैं कर्म बंध विज्ञान की कक्षा की ओर। हमने वेदनीय और मोहनीय कर्म के बारे में विशेष रूप से जाना। वेदनीय अघातिया होकर भी मोहनीय के साथ घाती की तरह होता है और अंतराय घातिया होकर भी अघाती की तरह। इसलिए यहाँ संसारी जीवों के लिए कर्मों का स्वरूप बताने के लिए आचार्यों ने सिद्धांत से ज्यादा व्यवहारिकता को सामने रखते हुए वेदनीय कर्म को मोहनीय के पास और अंतराय कर्म को बाद में रखा है। मोहनीय के साथ मिलकर वेदनीय कर्म में आत्मा के गुणों का घात करने का बल आ जाता है और यह हमें सुखी दुखी बनाता है। मोहनीय के अभाव में यह जली हुई रस्सी के समान होता है और हमें सुख दुख नहीं दे पाता। जीव शरीर आदि के मोह से दुख नहीं चाहता और मोह निकलने के बाद उसे सुख दुख कुछ भी नहीं लगता। इसलिए मोहनीय के अभाव में अरिहंत भगवान में वेदनीय कर्म का उदय होने पर भी उन्हें कोई सुख दुख नहीं होता। हमने जाना कि मोहनीय का काम लगाव करना है और वेदनीय का काम सुख दुख देना है। वेदनीय का मतलब पीड़ा नहीं अपितु अनुभव संवेदन होता है। सुख दुख का अनुभव मोह के कारण होता है। जितना मोह उतना ही इंटेंस अनुभव। जो जीव मोह की कमी के साथ रहते हैं उनमें बाहरी या अंतरंग कारण से सुख दुख की संवेदनाएं भी कम होती हैं। अतः मोह कम करने का कोई उपाय करें जिससे अपने अंदर सुख दुख के लगाव को कम कर सके। सुख में भी अगर हमारा मोह उस सुख से टूट जाए तो सुख की अनुभूति नहीं होती। जैसे अगर बहुत अच्छे मिष्ठान को हमने मुंह में रख लिया और किसी ने बताया इसमें जहर है तो अब उसमें सुख नहीं होगा। या जैसे प्रॉपर्टी हाथ से निकलने पर उससे लगाव कम हो जाता है और वही रहते हुए भी वो महल सुख नहीं देता। इसलिए हमें सीखना चाहिए ये चीज सामने होते हुए भी उससे अपना लगाव हटा लें। कुछ साहसी लोगों को तो बड़े बड़े फेफड़ों के ऑपरेशन के समय भी एनेस्थीसिया के इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। वे उस समय अपना दिमाग दूसरी जगह पर लगा देते हैं। इसमें अपना उपयोग न लगाकर वे दुख से मोहित नहीं होते। हमने जाना कि अंतराय कर्म में दान लाभ भोग उपभोग और उत्साह का मत करने की शक्ति होती है, लेकिन इसके कारण आत्मा के ज्ञान दर्शन सुख रूपी अनुजीवी गुणों का घात नहीं होता। इसलिए जीव के लिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इन चीजों के अलावा भोग उपभोग के बिना भी वह अपने ज्ञान स्वभाव की ओर परिणति ले जाकर अपना जीवन निकाल सकता है। इसलिए अंतराय कर्म घाती होकर के भी अघाती की तरह होता है। मुनिश्री ने अपने चिंतन से समझाया कि मोहनीय कर्म के कम या ज्यादा होने से ज्ञानावरण दर्शनावरण और सुख पर भी अंतर पड़ता है और आयु नाम गोत्र भी निकृष्टता या उत्कृष्टता की ओर जाते हैं। जैसे ज्यादा मोही मूर्छा और आरंभ परिग्रह सहित जीव को नरक आयु मिलेगी, उससे कम को त्रियंच आयु और बिल्कुल नगण्य मोह वालों को तैतीस सागर की उत्कृष्ट देवायु मिलेगी। ज्ञान और दर्शन पर तो मोहनीय का प्रभाव पड़ता ही है, क्योंकि इसके प्रभाव में जीव खुद स्व का निश्चय तत्व का श्रद्धान नहीं कर पाता और वह पर वस्तु से मिलने वाले सुख दुख में ही मोहित रहता है। मोहनीय के प्रभाव से ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय आत्मा के गुणों का घात करते ही हैं। आयु नाम
गोत्र, अंतराय भी आत्मा से भिन्न शरीर आदि की उपलब्धियों का घात करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वाश्रुत ग्रंथराज में अष्टम अध्याय के माध्यम से बंध तत्व का वर्णन करते हुए जिन कर्म प्रकृतियों का आत्मा में बंध होता है उनका परिचय कराया जा रहा है। आठ प्रकार के कर्मों में मुख्य रूप से सबसे पहले ज्ञानावरण कर्म आता है। जिस ज्ञानावरण कर्म की प्रकृति ज्ञान को आवरित करना है, इसलिए उस कर्म का नाम ज्ञानावरण कर्म कहा जाता है। यह हम पहले समझ लें कि ज्ञान और ज्ञानावरण कर्म ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कल जब एक प्रश्न आया था तो उस प्रश्न का कारण यही था कि हम समझ नहीं पाए कि ज्ञान क्या है और ज्ञानावरण क्या है। जो ज्ञान है वो हमारी आत्मा का स्वभाव है, जो ज्ञान है वो हमारी अपनी आत्मिक संपत्ति है, और उस स्वभाव पर जो आवरण डालता है, उस स्वभाव का जो घात करता है, उसको जो बाधा पहुंचाता है, उस कर्म को कहा जाता है ज्ञानावरण कर्म। तो वह ज्ञानावरण कर्म जो है वो एक पौद्गलिक पदार्थ हो गया, और जो ज्ञान है वो हमारी आत्मा का, चेतना का निजी स्वभाव हो गया। तो जब भी किसी चीज को कोई दूसरी चीज ढकती है, आवरण करती है, तो वह उसको कई रूपों में आवृत कर सकती है, और उसकी अलग अलग जो शक्तियां हैं उन सभी शक्तियों को आवृत करने वाली जो शक्तियां हैं वो भी उतने ही प्रकार की होती हैं। मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम। तो आचार्य यहाँ कहते हैं कि जो हमारा ज्ञान है वो ज्ञान एक होते हुए भी एक प्रकार का नहीं है, वह ज्ञान हमारा पांच प्रकार का है जो हमारे काम में आता है, जो हमारे अंदर समय समय पर उत्पन्न हो सकता है, और उसके बाद में वह अपने अलग अलग विषय को बना करके वह ज्ञान हमारे काम में आता है। वह मुख्य रूप से पांच प्रकार का कहा गया, जिसे हम मतिक ज्ञान कहते हैं पहला, दूसरा श्रुत ज्ञान कहते हैं, तीसरा अवधि ज्ञान कहते हैं, चौथा मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं, और पांचवा केवल ज्ञान होता है। तो जैसे ये ज्ञान के जो पांच भेद हैं, ये ज्ञान के पांच भेद भी इसलिए हैं क्योंकि इस ज्ञान को आवरित करने वाले कर्म भी पांच प्रकार के हैं। अलग अलग ज्ञान की शक्तियां हैं, अलग अलग कर्म उनको ढांकते हैं, रोकते हैं, इसलिए वह ज्ञानावरण कर्म भी पांच प्रकार के मूल में हो जाते हैं। तो मतिक ज्ञान को जो आवरित करे उसको कहा जाता है मतिक ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञान को जो आवरित करे उसको कहते हैं श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञान को जो ढाके उसको कहते हैं अवधि ज्ञानावरण, मनः पर्यय ज्ञान को जो ढाक दे उसे कहते हैं मनः पर्यय ज्ञानावरण, और केवल ज्ञान को जो आवरित कर दे उसको कहते हैं केवल ज्ञानावरण। अब ये ज्ञानावरण कर्म ही वह मुख्य कर्म है जो हमारे लिए समझ में आ सकता है, समझ में आना भी चाहिए, और यही वो कर्म है जिसके पांच भेद हमें अलग अलग पांच प्रकार के ज्ञानों को आवरित करके हमारे अंदर पड़े हुए हैं। इन पांच ज्ञानों में सभी संसारी जीवों में काम आने वाले ज्ञान दो ही होते हैं, मतिक ज्ञान और श्रुत ज्ञान।
और उस मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान में भी जो हमें अनेक तरीके का, किसी में अधिक है किसी में कम है, ये जो हमें कमती बढ़ती पना दिखाई देता है, ये भी इस ज्ञानावरण कर्म के कारण से ही होता है। तो जिनके अंदर जिस तरह से ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा, अर्थात ज्ञानावरण कर्म में कुछ कर्म तो दब जाए और कुछ कर्म क्षय हो जाए, इस तरीके की व्यवस्था जिसमें जितनी ज़्यादा होगी उसका ज्ञान जो स्वभाव रूप है उतना ही उद्घाटित हो जाएगा। जिन जीवों में ज्ञान की कमी होती है उनके लिए भी यह ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की कमी के कारण से होता है। क्षयोपशम का मतलब ऐसा समझ लें कि जैसे कुछ प्रकट हो रहा है और कुछ ढक रहा है, जो ये मिली जुली अवस्था है इसी का नाम क्षयोपशम कहलाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य की अपनी वह प्रॉपर्टी है लाइट टेम्परेचर, लेकिन जब बादल उसके सामने आ जाते हैं तो बादलों के कारण से वो ढक जाता है। ढकते हुए भी सूर्य का प्रकाश कुछ तो आता है कुछ नहीं भी आता है। जिस तरीके की बादलों की डेंसिटी होती है उसी के हिसाब से वह लाइट भी हमको मिलती है और उसी तरीके से उसका टेम्परेचर भी आता है। तो उसी तरह से ये समझना कि सूर्य के प्रकाश की तरह आत्मा में ज्ञान का प्रकाश है, आत्मा ज्ञान संपन्न है और उस आत्मा के अंदर ये अनेक तरह के ऐसे आवरण हैं जिसके कारण से आत्मा के अंदर वो जिनके ऊपर आवरण पड़ गया है वो ज्ञान तो बिल्कुल प्रकट नहीं होते, और जिनके आवरण में कुछ क्षयोपशम दशा आ गई है अर्थात कुछ जिनमें प्रकट होने की संभावना हो गई है वो ज्ञान हमारे अंदर प्रकट होते हैं। तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान ये क्षयोपशम ज्ञान है और इन ज्ञानों के साथ में अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान ये भी क्षयोपशम वाले ज्ञान हैं। लेकिन इन ज्ञानों में और मति ज्ञान श्रुति ज्ञान में इतना बड़ा अंतर है कि हर जीव के अंदर मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का क्षयोपशम तो थोड़ा बहुत मिलेगा। कोई भी जीव ऐसा नहीं होगा जिसमें मति ज्ञान श्रुति ज्ञान बिल्कुल ना हो। हर जीव में थोड़ा अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उसके अंदर मति ज्ञान श्रुति ज्ञान होगा, लेकिन अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान ये ज्ञान भी क्षयोपशम से ही प्राप्त होते हैं। लेकिन ये सभी अभी सब जीवों में यहाँ पर सबके अंदर इनका ऐसा आवरण पड़ा हुआ है कि ये ज्ञान की थोड़ी सी भी दशा प्रकट नहीं है, ना अवधि ज्ञान की और ना मन परे ज्ञान की। और केवल ज्ञान तो पूर्ण रूप से अप्रकट है ही है, तो केवल ज्ञान का भी आवरण, मन परे ज्ञान का आवरण और अवधि ज्ञान का आवरण, ये तो आत्मा के ज्ञान को पूर्ण रूप से ढक करके ये उस संबंधी जो ज्ञान है उनको पूर्ण नष्ट कर देते हैं। जो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है बस उसी में यह मति ज्ञान श्रुति ज्ञान की जो क्षयोपशम दशा प्रकट हो रही है उसी के कारण से जीव को जो ज्ञान होता है वही ज्ञान उनके काम में आता है। और सब जीवों में आप देखेंगे अलग अलग जो ज्ञान है उसका सबसे बड़ा अगर रीजन है तो यही है कि सबके आवरणीय कर्मों का क्षयोपशम अलग अलग होता है। दुनिया में किसी भी क्लास में किसी भी तरह के टीचिंग स्टाफ में एक सब्जेक्ट की टीचिंग लेते हुए भी उनके अंदर उसकी नॉलेज इक्वल नहीं होती कभी भी। सबके अपने अपनी नॉलेज अपने अपने एक्सपीरियंस के साथ में अपनी अपनी प्रैक्टिस के साथ में हर सब्जेक्ट की जो अलग अलग नॉलेज होती है वह इसी बात से सिद्ध होती है कि वह ज्ञान जो हमारे अंदर भीतर काम कर रहा है वो हमारे अंदर की क्षयोपशम दशा के कारण से काम करता है। तो जिन जीवों के अंदर जिस तरीके का क्षयोपशम होता है उन्हें उस तरह से ज्ञान का अधिकपना या कम होना ये उन्हें उपलब्ध होता है। और इन सब के पीछे का जो कारण है वो यहाँ पर इसी ज्ञानावरण कर्म को कहा जा रहा है। तो ज्ञानावरण कर्म एक होते हुए भी जब मति ज्ञान को आवृत करता है तो मति ज्ञानावरण कहलाता है, श्रुत ज्ञान को आवृत करता है तो श्रुत ज्ञानावरण कहलाता है। मति ज्ञान का आवरण इतना तक भी हो जाता है कि जब कोई जीव पांच इंद्री से चार इंद्री हुआ
तो उसके अंदर अब पंच इंद्री संबंधी जो मति ज्ञान था उसका आवरण पड़ गया, इसलिए वो चार इंद्री पर्याय में उत्पन्न हो गया। चार इंद्री जीव में चार इंद्रियों संबंधी ज्ञान का क्षुपसम है, जो कर्ण इंद्री संबंधी क्षुपसम होना चाहिए पांचवी इंद्री का, वो उसके लिए नहीं है, इसलिए उसको कोई भी बात सुनाई नहीं पड़ेगी। इंद्री नहीं मिली, इंद्री जो मिलती है वह इंद्री भी ज्ञानावरण कर्म के क्षुपसम के साथ ही उपलब्ध होती है। तो जीव के अंदर यह मति ज्ञानावरण कर्म का जो उदय आता चला जाता है, इसका आवरण बढ़ता चला जाता है, वो हमें इसी तरह से समझ में आना चाहिए जैसे जैसे जीव चार इंद्री दिखाई दे, तीन इंद्री दिखाई दे, दो इंद्री दिखाई दे, एक इंद्री दिखाई दे, ये सब क्या हो गए, इन सब के ऊपर ये मति ज्ञानावरण कर्म के आवरण और बढ़ते चले गए। और यही आवरण जब अत्यंत अपनी उत्कृष्ट दशा में होता है तो उस स्थिति में जीव के अंदर जो सबसे छोटा, सबसे जघन्य, सबसे हल्का जो ज्ञान रह जाता है वो कहलाता है नित्य निगोद जीव का वह ज्ञान, जिसमें कि बस उसे अब इससे ज्यादा और उसके ऊपर आवरण नहीं पड़ सकता, उस ज्ञान का नाम है नित्य उद्घाटित ज्ञान। क्या बोलते हैं उसको? नित्य उद्घाटित, इस शब्द ही कह रहा है, नित्य माने हमेशा, उद्घाटित माने इतना तो उद्घाटित रहेगा ही। वो उसकी लास्ट स्थिति है, अगर वो भी जो है एकदम से अगर अभाव को प्राप्त हो गया तो जीव का ही अभाव हो जाएगा। जैसे कहीं कोई बाती जल रही हो और आप उस बत्ती को, जो पहले लैंप होती थी तेल वाली, उसको आप जो है धीरे 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 कम करते चले जाओ, उस लास्ट पॉइंट पर लाओ कि जहां पर कम करने के बाद में फिर वो बुझ ही जाएगी, फिर उसका अस्तित्व बचेगा नहीं, उससे ज्यादा कम नहीं हो सकती। तो वो जो लास्ट का जो ज्ञान रह जाएगा उसको आचार्य कहते हैं ये है नित्य उद्घाटित ज्ञान, इसके ऊपर आवरण नहीं पड़ता, क्योंकि जीव का कभी भी अस्तित्व समाप्त नहीं होता, जीव का ज्ञान पूर्ण रूप से कभी नष्ट नहीं होता, उतना क्षुपसम ज्ञान तो उसके अंदर रह ही जाता है, जिसको निगोदिया जीव का ज्ञान कहते हैं और उस ज्ञान का नाम है नित्य उद्घाटित ज्ञान। तो ये ज्ञान की जघन्य दशा भी इन्हीं ज्ञानावरण कर्म के उत्कृष्ट आवरण के कारण से पड़ जाती है। और जैसे जैसे आवरण हल्के होते जाते हैं वह जीव एक इंद्री से दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री, संगी पंच इंद्री, इन पर्यायों को प्राप्त होता है। और इन पर्यायों में भी आप देखेंगे तो सभी के मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान अलग अलग काम करते हैं। मति ज्ञान का मतलब है जो अपनी इंद्रियों संबंधी ज्ञान है, सेंसुअल नॉलेज जो है वो मति ज्ञान कहलाती है। श्रुत ज्ञान, जो ज्ञान हमें सुनने से या स्क्रिप्चर के थ्रू मिलता है, वो ज्ञान हमारा शास्त्र का जो ज्ञान होता है वो श्रुत ज्ञान कहलाता है। शास्त्र का ज्ञान भी हमें तभी समझ में आ सकता है जब हमारे अंदर ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो, ज्ञान के आवरण हमारे उस संबंधी कुछ हटे हुए हों, कम हो, तो हमें शास्त्र की चीज समझ में आ सकती है। अन्यथा हमें शास्त्र संबंधी ज्ञान नहीं होगा, दूसरा हमें लौकिक ज्ञान तो सब हो सकता है, लेकिन शास्त्र संबंधी ज्ञान होने के लिए भी हमारे अंदर क्षयोपशम कुछ अलग ही होना चाहिए। तो इसलिए ये अलग अलग तरीके के क्षयोपशम होते हैं जिनसे हमें श्रुत माने जो श्रुत ज्ञान की चीजें हैं वो हमारे लिए समझ में आए, वो श्रुत ज्ञान जिसके माध्यम से हम अपने अंदर किसी भी पदार्थ का विचार उस रूप में कर सकते हैं जिस रूप में हमें बताया गया हो, तो वह श्रुत ज्ञान भी इन्हीं श्रुत ज्ञानावरण कर्म के अभाव से होता है और इनकी क्षयोपशम दशा बढ़ने पर होता है। सब जीवों के श्रुत ज्ञान भी अलग अलग काम करते हैं। श्रुत ज्ञान तो ऐसा ज्ञान है जो केवल मन से होता है। अब हमारे कान के द्वारा कोई चीज सुनी गई, ये तो हमारा मति ज्ञान का विषय हो गया। उसके बाद में हमें क्या समझ आ रहा है, ये समझ जो है वो हमारी श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम पर निर्भर करती है। एक ही चीज को सुनकर के, एक ही सूत्र को सुनकर के, एक ही उसकी व्याख्या सुनकर के अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से समझ में आता है। किसी को सही समझ में आ भी जाता है, किसी को केवल इतना ही समझ में आता है कि हाँ कुछ समझ में आया तो, लेकिन समझा नहीं सकते।
किसी को ये समझ आ जाता है कि हाँ कुछ है अच्छा तो था, लेकिन ऐसा कुछ समझ नहीं आया कि हम उसको बिल्कुल हमेशा याद रख सकें। और किसी को वह सुनने के बाद में ध्यान रह जाता है कि हाँ ये बिल्कुल सही समझ में आया और इसका मतलब ये है, और वो अपने मन से उससे और भी चीज़ें समझता हुआ उसको अपने ध्यान में रख लेता है। तो ये सब अलग अलग ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की दशा के परिणाम होते हैं। आपको शास्त्र की बात समझने का क्षयोपशम अलग होना चाहिए, और जो आप दूसरी बातें सुनते हैं, जो अपने लौकिक शिक्षा की नॉलेज लेते हैं, उसके लिए क्षयोपशम होता है वो अलग होता है, और इधर जो क्षयोपशम होता है वो अलग काम करता है। क्योंकि शास्त्रों में जो संज्ञाएं हैं, माने जो भी यहाँ पर नाम दिए जाते हैं, उनकी जो डेफिनेशन दी जाती हैं, वो टर्मिनोलॉजी आपके समझ में आ पाए, इसका भी क्षयोपशम आपके अंदर तब होगा जब कुछ श्रुत ज्ञानावरण संबंध इससे रख रहा हो। इसको बोलते हैं अक्षर श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। क्या बोलते हैं? अक्षर। अक्षरों के ज्ञान से ही शब्दों का ज्ञान होता है, शब्दों से ही जो पद बनते हैं उन पदों का ज्ञान होता है, और पदों से ही जो शास्त्र बनते हैं उन शास्त्रों का ज्ञान होता है। तो ये सब श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम की दशा होती है, जो जघन्य से उत्कृष्ट रूप तक पहुंच जाती है। और ये श्रुत ज्ञानावरण कर्म की उत्कृष्ट, जब ज्ञान की जब उत्कृष्ट दशा होगी, तो ये आप समझ लेना कि ये लगभग जब 14 पूर्व का जो ज्ञान कहा जाता है, क्या बोलते हैं, 12 अंग 14 पूर्व के ज्ञाता, ये 14 पूर्व का जिनको ज्ञान होता है, जो श्रुत केवली होते हैं, वही इस श्रुत ज्ञानावरण कर्म के जघन्य क्षयोपशम के कारण से, मतलब इसकी जघन्य क्षयोपशम श्रुत ज्ञानावरण कर्म की तो दशा होगी जघन्य रूप, तो उनका श्रुत ज्ञान जो होगा वो होगा उत्कृष्ट रूप। आवरण करने वाला कर्म जितना हल्का होगा ज्ञान उतना ही उत्कृष्ट रूप से प्रकट होगा। आवरण करने वाला कर्म जितना ज्यादा प्रभावी होगा ज्ञान उतना ही कमजोर होगा। तो ये दोनों चीजें अपोजिट हैं, ज्ञान और ज्ञानावरण, ये अपने दिमाग में बिठा लें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने ज्ञान और ज्ञानावरण कर्म के अंतर को समझा। ज्ञान हमारी आत्मा का स्वभाव है, आत्मिक संपत्ति है। ज्ञानावरण कर्म पौद्गलिक पदार्थ है जो इस स्वभाव का घात करता है, इस पर आवरण डालता है। ज्ञानावरण कर्म के एक होते हुए भी जिस ज्ञान को आवरित करता है उसी नाम से जाना जाता है। सूत्र 6 में हमने जाना कि मति ज्ञान को मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञान को श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञान को अवधि ज्ञानावरण, मनःपर्य ज्ञान को मनःपर्य ज्ञानावरण और केवल ज्ञान को केवल ज्ञानावरण आवृत करता है। सभी संसारी जीवों में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ही काम आने वाले होते हैं। इन्हीं के क्षयोपशम के कारण हमें किसी में कम किसी में अधिक ज्ञान दिखता है। जैसे सूर्य का प्रकाश बादल सामने आने पर कुछ प्रकट और कुछ ढक जाता है, उसी प्रकार ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम में कर्म कुछ दबा और कुछ क्षय हो जाता है, जिससे आत्मा का ज्ञान कुछ प्रकट होता है, शेष ढका रह जाता है। जिसका क्षयोपशम ज्यादा होगा उसका ज्ञान स्वभाव उतना अधिक उद्घाटित होगा, और इसकी कमी में ज्ञान की कमी होगी। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के क्षयोपशम में भिन्नता के कारण सब जीवों में अलग अलग ज्ञान होता है। एक ही सब्जेक्ट की क्लास में सबकी नॉलेज एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। हमने जाना कि ज्ञान संपन्न आत्मा में कुछ आवरणों के कारण ज्ञान बिल्कुल प्रकट नहीं होता, जैसे केवल ज्ञान का आवरण, और कुछ आवरणों की क्षयोपशम दशा में कुछ ज्ञान प्रकट होने की संभावना होती है, जैसे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का कुछ न कुछ क्षयोपशम तो हर जीव के अंदर होता है, लेकिन अभी सभी में अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान पूर्ण रूप से अप्रकट है। हमने जाना कि मति ज्ञान इंद्रियों संबंधी ज्ञान सेंसुअल नॉलेज होता है। इसी के क्षयोपशम के साथ हमें इंद्रियां उपलब्ध होती हैं, और इसका आवरण बढ़ने से जीव 5 इंद्रियों से
चार, तीन इंद्रियादि बन जाता है। आवरण की उत्कृष्ट दशा में जीव के अंदर का ज्ञान सबसे छोटा, जगन्य, हल्का रह जाता है। इसे नित्य उद्घाटित ज्ञान कहते हैं, यानी हमेशा उद्घाटित रहने वाला। इसके ऊपर कभी आवरण नहीं पड़ता। यह ज्ञान निगोदिया जीव का होता है। इसका अभाव होने पर जीव का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे लैंप की बत्ती कम करते करते लास्ट पॉइंट पर कम करने पर बुझ जाएगी। शुद्ध ज्ञान हमें सुनने से या शास्त्रों से मिलता है। यह केवल मन से होता है। कान के द्वारा कुछ सुनना मति ज्ञान का विषय होता है, लेकिन कुछ समझ में आना हमारे शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षेत्रक्षम पर निर्भर करता है। जैसे एक ही सूत्र व्याख्या सुनकर लोग उसे अलग अलग तरीके से समझते हैं, शास्त्रों का ज्ञान भी हमें इसके क्षेत्रक्षम में ही समझ में आता है। सब जीवों के शुद्ध ज्ञान भी अलग अलग काम करते हैं। हमने जाना कि शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षेत्रक्षम से ही हमें शास्त्र संबंधी ज्ञान होता है। पदार्थ हमें जिस रूप में बताया गया है उसी रूप विचार कर पाते हैं। इसके अभाव में हम शास्त्र नहीं समझ पाते। शास्त्र ज्ञान और लौकिक शिक्षा संबंधी क्षेत्रक्षम अलग अलग होते हैं। अक्षर श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षेत्रक्षम से ही हमें शास्त्रों में दी गई संज्ञाएं, टर्मिनोलॉजी समझ में आती है। अक्षरों से शब्द, शब्दों से पद और पदों से शास्त्र बनते हैं। अतः अक्षरों के ज्ञान से ही शास्त्रों का ज्ञान होता है। श्रुत ज्ञानावरण कर्म के क्षेत्रक्षम की उत्कृष्ट दशा में ज्ञान की उत्कृष्ट दशा होती है, जिसमें जीव 12 अंग 14 पूर्व का ज्ञाता होता है, श्रुत केवली होता है। तो चलिए अब हम सभी जनवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिनवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिष्ठि हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता के साथ समझा रहे हैं, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सके। और ये ज्ञान आप अपने मित्र, परिवार, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर उन तक पहुंचा सकते हैं। आप सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट etv.arham.yoga शेयर करें और उन्हें इन सभी क्लासेस के साथ साथ मिलेगा अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इस अनूठे स्वाध्याय से जोड़ अपना और उनका पुण्य बढ़ाए। ओम अरहम नमः। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा, साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, सभी संसारी जीवों के उपयोग में आने वाले ज्ञान कितने हैं? 2, 3, 5। अध्याय 8 की कक्षा 18 के आज के सवाल का सही उत्तर है अंतराय कर्म। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार, USA। यदि आप भी अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर संस्कारित बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार या पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया जाए, तो आपके लाडले की संपूर्ण पढ़ाई निःशुल्क हम कराएंगे। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा स्थापित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा पुनरुद्धारित पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित श्री सियादवाद महाविद्यालय वाराणसी में। जी हाँ, यहाँ पढ़ने वाले 100 से अधिक परा स्नातक बन चुके हैं, अनेक विद्यालयों में प्रोफेसर्स, 15 से अधिक प्राप्त कर चुके हैं राष्ट्रपति पुरस्कार। इतना ही नहीं, इसी वर्ष 2024 में भी एक विद्वान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रवेश प्रारंभ 10वीं अथवा 12वीं पास छात्र सीधे ले सकते हैं प्रवेश। आवास, भोजन, शिक्षण आदि सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क। श्री सियादवाद महाविद्यालय, भदेनी वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। संपर्क करें 9695338108, 9506602715, 9111229620।